नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे, जिसमें कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं घर गृहस्थी से रिलेटेड, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो या आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम हो। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको स्टिचिंग भी सिखाऊंगी, अभी मेरा कुछ मूड नहीं है स्टिचिंग करने का। तो दोस्तों, ये प्लांट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लांट है, मतलब अच्छा प्लांट है, क्योंकि ये मेरे नाम का प्लांट है एक तो, और जब अपने नाम का पौधा आप लगा रहे हो गार्डन में तो और भी अच्छा लगता है। तो इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं, तो दो तीन दिन पहले एक बेचने वाला आया हुआ था, मैंने उससे ही लिया था ये। लेकिन आज मैं लगाते हुए आपके साथ इसके बारे में जो भी मुझे जानकारी है वो मैं शेयर भी करूँगी और इसके रखरखाव के तरीके भी बताती जाऊँगी। तो दोस्तों, वैसे ये सिट्रस फैमिली से ही बिलोंग करता है, जैसे नींबू वगैरह है ना, उनसे ही बिलोंग करता है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, एक तो मेरे वाला ही नाम है, कामिनी का प्लांट है ये। दूसरा, इसको महाराष्ट्र की साइड कुंती भी बोलते हैं, और दोस्तों इसको इंग्लिश में मुरैया पेनिकुलाटा बोलते हैं, और इसको कुछ लोग ऑरेंज जैस्मिन भी बोलते हैं, तो इतने। और कई जगह इसको इंद्रबेल भी बोलते हैं, और बस इतने ही नाम पता है मुझे। चलो अब इसको लगाना सीखेंगे हम। तो ये दोस्तों, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई थी, अभी मैंने एक दो मिनट पहले इसको गीला किया है। ये बिल्कुल साइड में रखा हुआ था, कल बहुत धूप पड़ी और कल शाम को मैंने गार्डन में पानी भी नहीं दिया, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी और फिर ज़्यादा रात हो गई थी। तो अब सुबह मैंने इसकी मिट्टी सूखी देखी, तो मुझे लगा इसको लगा देना चाहिए, थोड़ी सी मैंने गिल्ली कर दी है ये, और मैं आपके साथ इसको लगाती जाऊंगी। इसमें एक जामुन का पेड़ भी लगा हुआ है, कोई गुठली गिर गई होगी, अपने आप ही उगाया है। और एक ये मोगरा की कटिंग लगाई थी, ये भी देखते हैं, पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, इनको छेड़ते नहीं है क्योंकि बड़ा गमला है ये, साइड में हम अपना लगा देंगे। और मुझे वैसे भी इकट्ठे प्लांट लगाने की आदत है, मैं कोई भी प्लांट लगाऊँ निकालती नहीं हूँ, जैसे ही साइड में जगह मिलती है मैं उसमें लगा देती हूँ। तो दोस्तों, बात है इस कामिनी के प्लांट के ऊपर कि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ऐसा नहीं है आप लाएंगे सूख जाएगा, जैसे कि लेमन का प्लांट काफ़ी हार्डी होता है ना, ऑरेंज का, लेमन का, मौसमी का, ऐसा सही है ये। इसके फूल भी इसी तरह के आते हैं, और दोस्तों कहते हैं इस पे फ्रूट भी बनता है। अभी तो ये छोटा सा है, आप इसको भले ही पोट में ना लगाएं, आपके पास अगर मिट्टी है, गार्डन है, उसमें भी आप लगा दें, तो ये आप इसको, ये ट्री भी बन जाता है। आप इसको, इसकी कटाई छटाई करते रहोगे तो बुश का शेप भी ले लेगा, और अगर एक डंडी पकड़ के आप चढ़ा दोगे तो ये इंद्रबेल बोलते हैं जैसे, इसको बेल वाली क्वालिटी भी है इसमें। तो दोस्तों किसी भी तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और कुछ लोग तो इसका बोनसाई बनाते हैं, छोटा सा कट करते रहते हैं वायरिंग करके इसकी, और उसको बोनसाई बना देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी हार्डी प्लांट है ये, और ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत पसंद है, और दोस्तों इसके फूल आते हैं गर्मियों में। तो मेरा इस मौसम में लगाने का पर्पज़ यही है, भाई बरसात के बाद या कभी कभी हो भी जाती है बरसात, तो इस मौसम में आप कोई भी प्लांट लगाओ तो आपका वो अच्छे से चलेगा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न तो अब ख़त्म हो चुका है, अब बढ़िया मौसम है मॉइस्चर वाला। तो इस मौसम में चाहे कि कोई हार्डी प्लांट हो या हार्डी ना भी हो, आप शौकीनी तौर पे लगा रहे हो, तो वो प्लांट आप अपने गार्डन में बेहिचक लगा दें। देखो दोस्तों, इसकी टैप रूट है ये, लंबी जो रूट होती है ना इसकी, जो सबसे हार्ड रूट होती है उसको टैप रूट बोलते हैं, तो उसको नहीं छेड़ते। और ये जो सारी इसकी बारीक बारीक रूट लगी हुई हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा खोल लेंगे, ताकि जिस नई मिट्टी में हम लगा रहे हैं, देखो दोस्तों इसकी इसकी जड़ बनने लगी है ना, देखो दिख रही है ना, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं, लगी चल गई ना हमारी कटिंग, इसको भी साइड में लगा ही देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब इसको हल्का हल्का सा, कोई भी प्लांट लाओ उसकी हल्की हल्की सी मिट्टी ऐसे आपने झाड़ देनी, बिल्कुल आराम आराम से, जैसे मैं झाड़ रही हूँ, ऐसे पकड़ के सारी मत तोड़ देना, ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से झाड़ते जाना है इसको। और थोड़ी थोड़ी सी बस आपने रूट खोलनी होती है, ताकि जो हमारी नई मिट्टी है उसमें ये रूट अपनी जगह बनानी शुरू कर दें, फैलना शुरू कर दें, और जो रूटिंग सिस्टम है हमारे प्लांट का वो बढ़िया से हो जाए। तो दोस्तों ये हार्डी प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, लेकिन फूल इसमें आएंगे गर्मियों में, ये फूल आते हैं इसके मार्च के बाद,
क्योंकि गर्मी पसंद है इस पौधे को। तो मेरा इस टाइम लगाने का पर्पज यही था, वैसे तो आप बाहर में भी लगाओ इसको बहुत अच्छे से चलेगा, कि जब तक हमारी सर्दियां नहीं आती जब तक इसकी रूट बढ़िया से हमारे गमले में डिवेलप हो जाएंगी और अपनी जगह बना लेंगी, और इसका रेस्ट पीरियड भी होगा सर्दियों में क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है उस टाइम, तो अपनी रूट को ये अच्छे से डिवेलप करता रहेगा, और सर्दियां खत्म होने के बाद जब गर्मी आएंगी तब इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आएंगे। और दोस्तों इसके फूलों की खुशबू भी खट्टी खट्टी सी होती है, जैसे नींबू और संतरे के फूल लगते हैं ना पौधे पे, खट्टी खट्टी सी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है अगर आप इसके पास से इसके फूल लगे हो तो गुजरेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि मैं तो छोटा लगा रही हूँ, कहीं आपके यहाँ बड़ा लगाओ तो आप इसकी कटिंग लाके भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैं कहती हूँ थोड़ी सेमी हार्डवुड लेनी है आपने, वैसे थोड़ा थोड़ा इसकी जड़ों को खोल लें और अच्छे से फैला के लगा लें। तो दोस्तों कहीं भी किसी गार्डन में लगा हुआ हो, आसपास लगा हुआ हो, तो इसकी आप बेशक सेमी हार्डवुड कटिंग भी ना हो, इसकी दोस्तों ग्रीन कटिंग चल जाएगी। जैसे कोई भी आप ग्रीन कटिंग ले आओ इसकी लगी हुई हो, तो वो आप लाके इस मौसम में आराम से लगा दो, जैसे मैंने कटिंग लगाना बता रखा है, तो वो बड़ी आराम से आपके गार्डन में चलेगी, और लगाने का तरीका मैंने बता ही रखा है। अगर आपके पास ये प्लांट भी नहीं है, कहीं बड़ा ट्री देखते हो, बड़े बड़े ट्री भी होते हैं इसके, ट्री इतने बड़े भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्लांट भी नहीं कह सकते, ट्री बीच से भी होते हैं, तो इस तरह लगे हुए हो और इस टाइम फूल भी आ रहे होंगे शायद, मैंने तो खैर ये छोटा प्लांट ही लिया है, अगर ऐसे नींबू जैसे फूल आ रहे हो तो समझ लेना यही है। और इस पे दोस्तों ऑरेंज जैस्मिन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑरेंज जैसे छोटे छोटे इस पे फ्रूट लगते हैं, छोटे छोटे से ऑरेंज कलर के, अगर वो भी लगे हो तो भी आपको पहचान हो जाएगी। तो आप इसकी कोई सेमी हार्डवुड या हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी इसकी, आप इसकी ग्रीन कलर की ब्रांची ले लें और वो लाके अपना ग्रो कर दें, और बड़ी आसानी से ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो काफी हार्डी प्लांट है ये, और उम्मीद करते हैं मेरे गार्डन में हमेशा ही रहेगा ये, क्योंकि कई प्लांट दोस्तों मौसम के हिसाब से सूख भी जाते हैं, जैसे मैं वो बता रही थी बिगोनिया का कैसा खराब हो गया बेचारा। तो दोस्तों कई प्लांटों को आप बहुत अच्छे से भी रखते हैं लेकिन नहीं चल पाते वो मौसम के हिसाब से, कई जगह का मौसम ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे हरियाणा में बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी में तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी, ऐसे लू चलती है, अब तो बारिश के बाद तो फिर भी मॉइस्चर का मौसम है, लेकिन हमें शौक है गार्डनिंग करने का, वो तो हम अपना पूरा करेंगे जैसा मर्जी मौसम हो, और पौधों को बचाने की भी कोशिश करेंगे जितनी हमसे कोशिश होगी या जितनी हमें जानकारी है, जिसकी बारे में जानकारी नहीं होगी नेट से सर्च करके पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगा दिया, थोड़ी सी मिट्टी और इसके ऊपर डाल दी। और दोस्तों फर्टिलाइजर की बात करें तो इसको कोई फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इनऑर्गेनिक तो आप दें ही ना, ऑर्गेनिक में आप जो काउडंग होता है बिल्कुल फुली डिकम्पोज हुआ हुआ वो दे दें, चाय की पत्ती सूखी हुई हो वो डाल दें, एसिडिक सोयल भी थोड़ी सी पसंद है, और क्या डालने, और पत्तियों की जो कंपोस्ट बनाते हैं वो भी इसको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस अब हम इसको इसकी फ्रूटिंग पे या फ्लावरिंग पे ध्यान नहीं देंगे, इसका रूट सिस्टम बढ़िया करेंगे ताकि गर्मी जब आए तो ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करे, और इतने ये टाइम है जो इसका ये अपना अपनी ग्रोथ बढ़ाने में करे, अच्छी से ग्रोथ करे, इसका रूट सिस्टम बढ़िया हो जाए और इस मिट्टी में अपने आप को ये सेट कर ले। तो बस दोस्तों ये तो इसके बारे में ही जानकारी थी जितनी मुझे पता थी, और सारे तरीके मैंने इसको बता दिए हैं, लगाती मैं रही हूँ आपके साथ, और कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाता है ये, बीज से मुझे नहीं पता इसका, अभी देखो आगे क्या निकलता है इसके ऊपर। तो जो चीज़ कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाए उसमें बीज का तो मुझे लंबा ही चक्कर लगता है काफ़ी, कटिंग अपना लगाओ और फटाफट से अपना वो प्लांट आपका तैयार। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी मेरे पास इसके बारे में, और काउडंग इसे बहुत पसंद है, फुली डिकम्पोज हुआ हुआ जिसे गोबर की खाद बोलते हैं उसको ये काफ़ी पसंद करता है, और पत्तियों के कंपोस्ट को भी। तो बस इसी तरह से आपने इसकी केयर करनी है। और दोस्तों चलते चलते चलो मैं और भी दिखाती जाऊँ, देखो मैं कितनी कामचोर हूँ कि अब तक ये कटिंग देखो मेरी ऐसी पानी में पड़ी हुई है, और मेरे पास लगाने का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखो अच्छे से चली रही है, इसमें पानी में भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, देखो दोस्तों बेचारी मरी नहीं अब तक ये, और जब भी टाइम लगेगा मैं इनको लगा दूंगी, देखो अच्छे से चल रही है ना, सबकी ग्रोथ बढ़िया से हो रही है, सब नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, देखो है ना, निकल रही है ना, देखो सारी नई नई है ये,
और जो पुरानी जो मैंने छोड़ी थी वो अपना उनको मैं हटा दूंगी क्योंकि वो अपने आप ही झड़ जाएंगी। तो दोस्तों आप भी कोई कटिंग ना लगा सकें ऐसे पानी में डाल के रख दें और चेंज करते रहे उसका पानी, और शहद मिलाने का तरीका तो मैंने बताया था, थोड़ा सा शहद मिला दें। तो बस दोस्तों ये था आज कामिनी के पौधे पे जानकारी, जो कि मेरा नाम भी है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स एंड योर गार्डन एंड योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों।